हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग सीरीज़ जिसमें हम लोग डेली 10 क्वेश्चंस की बात करते हैं इन 5 मिनट्स, क्योंकि हमारा टारगेट बहुत हाई है, 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस करना है, इन 60 क्वेश्चंस में 50 करना है। देखो, जब नाबार्ड नॉर्म्स में देखोगे ना तो CHC के बारे में बात करेंगे उन लोग। CHC क्या होता है? कस्टम हायरिंग सेंटर। इसमें क्या होता है कि अगर आप भाई स्मॉल होल्डिंग्स हो, आपका बहुत छोटा खेत है, तो ठीक है, आपको फार्मिंग मशीनरी चाहिए, तो कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाते हैं कंपनीज़ लोग। तो कस्टम हायरिंग सेंटर्स में क्या होता है ना, कंपनीज़ नहीं मतलब गवर्नमेंट बनाती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें शुड बी लोकेटेड विद इन 5 to 7 किलोमीटर के अंदर आपको लोकेशन होना चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। हाँ, कस्टम हायरिंग सेंटर्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लोगे डिटेल में तो भी अच्छा रहेगा। फिर एक चीज़ होता है कंबाइन हार्वेस्टर में क्या होता है ना कि इसका लाइफ कितना होता है, इसका भी लाइफ आपको देखोगे तो 6000 आवर्स कंबाइन हार्वेस्टर का लाइफ होता है। अगर हम लोग यूसेज की बात करें तो ये यूसेज होता है इसका आपको 650 आवर्स, ठीक है, 650 आवर्स अगर कस्टम हायरिंग में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कस्टम हायरिंग में हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो 6000 आवर। अगर हम लोग ऐसे यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल टोटल यूसेज लिख लो, टोटल यूसेज इन ईयर एक ईयर की बात करें तो ये आपको 700 आवर्स का टोटल यूसेज बताएगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता था, रूलर गोडाउंस। ये रूलर गोडाउंस का क्वेश्चन 2018 में बड़ा प्रिवेलेंट था, क्वेश्चन आया था, ये इतना डिटेल में कि फार्मर फ्रेंडली बुक में या नाबार्ड के वेबसाइट्स में आपको मिलेगा। रूलर गोडाउंस 3 तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है स्मॉल साइज्ड, हाँ, दूसरा होता है मीडियम साइज्ड, और तीसरा होता है लार्ज साइज, ठीक है। 3 तरह के रूलर गोडाउंस होते हैं। स्मॉल साइज का कैपेसिटी कितना होता है, तो ये होता है 50 मेट्रिक टन, ठीक है। फिर मीडियम साइज़ का अगर कैपेसिटी कोई आपसे पूछे तो ये कितना होगा, 500, 1000, 2000 तक मीडियम टन मेट्रिक टन तक। और लार्ज साइज़ का अगर हम लोग बात करें तो ये होगा अबव 2000 मेट्रिक टन इसका साइज़ होगा, ठीक है। रूरल गोदाम 3 तरह से होते हैं, हाँ। चलो, एक और क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में पॉन्ड मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है, पॉन्ड मैनेजमेंट, ये जब देखोगे आप तो आपको पॉन्ड मैनेजमेंट का क्वेश्चन आपको दिखेगा 2017 या 18 में, ठीक है। पॉन्ड मैनेजमेंट में क्वेश्चन क्या था कि देखो, यहाँ पे क्या था कि अगर फ़िश आप रखे हुए हो, ठीक है, फ़िशरीज़ कर रहे हो, फ़िशेज़ हैं, तो फ़िशेज़ में क्या हो रहा है कि आपका जो पानी है ना, जैसे ये पॉन्ड है, ठीक है, ये पॉन्ड है, तो पॉन्ड का पीएच लेवल अगर आपको 4.5 पीएच लेवल यहाँ लिख लो, पीएच लेवल है ना, 4.5 से अगर 5 पीएच हो जा रहा है तो कितना लाइम हम लोग इसमें डालेंगे, ठीक है, ताकि पीएच लेवल नॉर्मल हो जाए, जो फिशेस के लिए बहुत आरामदायक हो। फिर एक होता है 5.1 से अगर 6.5 होता है तो लाइम कितना डालेंगे, फिर होता है 6.6 से आपको 7.5 हो जाता है तो लाइम कितना डालेंगे, और फिर हो जाता है 7.6 से 8.5 हो जाता है पीएच लेवल तो लाइम कितना डालेंगे, और 8.6 से 9.5 हो जाता है पीएच लेवल तो लाइम कितना डालेंगे, ये चीज़ हमें इसमें सीखना है। तो लाइम का क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा पीएच लेवल बढ़ गया है तो हम लोग लाइम एग्जैक्टली 2000 किलो डालेंगे, केजी डालेंगे पर हेक्टेयर की बात हो रही है। यहाँ पे अगर 5.5 से 6.5 तक अगर रहता है तो लाइम एकदम आधा हो जाएगा, 1000 केजी पर हेक्टेयर डालेंगे, और अगर 6.6 से 7.5 हो जा रहा है तो 500 केजी पर हेक्टेयर यहाँ पे लाइम डालेंगे, और 7.6 से 8.5 में 200 केजी पर हेक्टेयर लाइम डालेंगे। अगर 8.6 से 9.5 हो जा रहा है तो इसमें हम लोग लाइम बहुत कम डालते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।